हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है स्पेलिंग रूल्स। ओके बच्चों, आप लोग देखते हैं स्पेलिंग्स में हमें काफी डाउट रहता है, कहीं हम कोई स्पेलिंग इनकरेक्ट तो नहीं लिख रहे हैं, ऐसा रहता है आप लोग? यस सर। मान करते हो आप लोग? यस सर। इससे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? लो हो जाता है। वेरी गुड। तो इसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए हमें? हमें स्पेलिंग रूल्स पढ़ने चाहिए ताकि हम कॉन्फिडेंट हो सकें कि हम जो भी स्पेलिंग लिख रहे हैं वो करेक्ट लिख रहे हैं। ओके यस सर। तो चलिए आज स्पेलिंग रूल्स समझते हैं ताकि हमारी स्पेलिंग्स क्या रहे, हमेशा करेक्ट रहें। ओके यस सर। चलिए ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हम कुछ वर्ड्स। कौन से वर्ड्स? कुछ वर्ड्स जिनके अंत में एक कॉन्सोनेंट आता है, यानी वर्ड्स के अंत में क्या आएगा? कॉन्सोनेंट। ओके एवं उसके पहले, किसके पहले? कॉन्सोनेंट के पहले। जो अंत में कॉन्सोनेंट आया उसके पहले एक वॉवेल आता है। क्या आता है? वॉवेल। आप समझते हैं? ए ई आई ओ यू। ओके यानी अंत में कॉन्सोनेंट आएगा और उसके जस्ट पहले क्या आएगा? वही वॉवेल आएगा। ओके यदि इस प्रकार के वर्ड जिसके अंत में कॉन्सोनेंट होगा उसके जस्ट पहले वॉवेल होगा, इस प्रकार के वर्ड में कॉन्सोनेंट के बाद यानी उस वर्ड्स के बाद किसी वॉवेल लेटर से शुरू होने वाले सफिक्स को लगाया जाता है, यानी उस वर्ड्स के बाद हम कोई ऐसा सफिक्स ऐड कर रहे होते हैं जो किससे स्टार्ट है? किसी वॉवेल लेटर से, यानी ए या ई या आई या ओ या यू से स्टार्ट हो रहा है वो सफिक्स। ओके तब क्या होता है? तो उस कॉन्सोनेंट को, किस कॉन्सोनेंट को? वर्ड्स का जो लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट था उस कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता है। तो रूल को आप लोग एक बार समझिए, कोई भी वर्ड्स जो आपको दिया गया है उसके अंत में क्या मिलेगा आपको? कॉन्सोनेंट, और उस कॉन्सोनेंट के जस्ट बिफोर एक वॉवेल मिलेगा। क्या मिलेगा? एक वॉवेल मिलेगा। ओके यानी लास्ट में सिंगल वॉवेल, सिंगल कॉन्सोनेंट आपको मिलेगा। ओके और उस वर्ड्स में जब हम कोई सफिक्स ऐड करते हैं, और सफिक्स कैसा? जो किसी वॉवेल लेटर से शुरू हो रहा हो। ओके तो उस कंडीशन में जो नया वर्ड्स फॉर्मेट होगा, नया वर्ड्स बनेगा, तब हमें उसमें करना क्या है? उसमें हमें क्या करना है? उसका कॉन्सोनेंट डबल करना है। क्या करना है? उसका कॉन्सोनेंट डबल करना है। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे ये वर्ड है गेट, तो ये कंडीशन अप्लाई, इसमें अंत में क्या आया? कॉन्सोनेंट टी। ओके उसके जस्ट बिफोर क्या आया? वॉवेल ई। तो आप खुद ने देखा वर्ड्स के अंत में कॉन्सोनेंट सिंगल और उसके जस्ट बिफोर सिंगल वॉवेल। इस कंडीशन में अगर हम कोई ऐसा सफिक्स ऐड करते हैं जो किससे स्टार्ट हो? किसी वॉवेल से। जैसे ये किससे स्टार्ट है? आई से। ओके तो आपने देखा इस कंडीशन जो नया वर्ड फॉर्मेट हुआ उसमें क्या देखा आपने? जी ई डबल टी आई एन जी, यानी ये जो लास्ट का कॉन्सेप्ट टी था क्या करना हुआ यहाँ पर? आपने टी को क्या किया? डबल किया। क्या किया? डबल। ओके तो गेट आई एन जी एड किया, बना क्या? गेटिंग। क्या बना? गेटिंग। ओके सेम देखें रॉ, इसमें भी देखें लास्ट में कॉन्सोनेंट, इसके जस्ट बिफोर क्या है? वॉवेल, और इसमें आपने ऐड किया ED, सफिक्स क्या है? L, ओके जो किससे स्टार्ट है? वॉवेल से स्टार्ट है। ओके तो आपने क्या किया? इस कॉन्सोनेंट को क्या किया आपने? डबल किया। क्या किया? डबल किया। ओके तो क्या बना आपका? रॉब्ड। ओके समझ में आ रहा आप लोगों को? यस सर। वेरी गुड। सेम आपने देखा प्लान, इसमें आप ऐड कर रहे हैं आई एन जी। ओके तो क्या बना? प्लानिंग, और प्लानिंग का एंड क्या होगा? डबल। तो आपने इस रूल को समझ लिया। ओके आप लोगों को? ओके बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ अपवाद भी हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, तो उन वर्ड्स को भी देख लिया जाए। ओके तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, जैसे वर्ड है सफर। क्या है? सफर में अगर आप ईडी ऐड करते हैं यानी इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं, तो इसमें जो आपका रूल था कि कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? डबल होगा,
बट यहाँ डबल नहीं हुआ। यानी कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। कौन कौन से वर्ड है वो? सफर, ऑफर, बेनिफिट, डिफर। तो इस वर्ड्स को आप लोगों को समझ लेना है, ओके? यस। और इस रूल को फॉलो करना है ताकि आप स्पेलिंग हमेशा करेक्ट हो, ओके? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट रूल देखा जाए। यस सर। चलिए देखते हैं। बहुत से वर्ड्स जिनके अंत में एल आता है, क्या आता है? एल आता है। और फिर जब हम उसमें कोई सफिक्स ऐड करते हैं तो वह एल क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। जैसे अगर क्वेरल, क्या लिखा हुआ ये? क्वेरल। लास्ट में क्या आपने पाया? एल। ओके, और सफिक्स हमने ऐड किया ईडी, तो आपने देखा कि लास्ट का एल यहाँ पर क्या हो गया? डबल। ओके, क्वेरल, राइट? यस। तो आपने क्या सीखा कि जब किसी वर्ड्स के लास्ट में एल आता है और हम उसमें कोई सफिक्स ऐड करते हैं तो वह एल क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। ओके, से जैसे ज्वेल, ओके, लास्ट में क्या आया? एल। आपने ऐड किया ईआर, क्या बना? ज्वेलर, राइट? और देखा आपने एल क्या हुआ? डबल। ओके, इस तरह से आपने ट्रबल, ट्रबल में ऐड किया ईआर, तो लास्ट का एल बना डबल, ट्रबलर, क्या हो गया? ट्रबलर। डिस्टिल, लास्ट में एल आया, आपने ईडी ऐड किया, क्या बन गया? डिस्टिल, यानी एल क्या हो गया? डबल। ओके, आई होप यू गॉट इट। यस सर। ओके, इसमें भी आपके कुछ एक्सेप्शंस हैं, ओके, यानी अपवाद हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड है पैरेलल, क्या है? पैरेलल। इस पे आपने ईडी ऐड किया लेकिन इसका लास्ट का जो एल है वो डबल नहीं हुआ, राइट? तो आपको उसको याद रखना है, पैरेलल में आप जब कोई सफिक्स ऐड करते हो तो उसका एल डबल नहीं होता। ओके, सेम पैरेलल, ओके, इसमें हमने ओ यू एस ऐड किया, ओके, तो आपने देखा एल डबल हुआ क्या? नहीं हुआ। ओके, पैरेलस, राइट? तो आपने देखा कि ये आपने पैरेलल, पैरेलल को याद रखना है जिसमें एल को डबल नहीं करना है। बाकी वर्ड्स में आपको लास्ट में एल अगर है और आप कोई सफिक्स ऐड करते हैं तो एल को क्या करना है? आपको डबल करना है, राइट? नेक्स्ट रूल देखा जाए। यदि कोई वर्ड डबल एल से समाप्त हो, कैसे समाप्त हो? डबल एल से, राइट? जैसे स्किल, ये किससे समाप्त हो रहा है? डबल एल से। तथा उसके साथ, यानी उस वर्ड्स के साथ आपको क्या सफिक्स ऐड करना है? होल या फेल। ऐसा वर्ड जिसके अंत में क्या है? डबल एल। अब उसमें आपको क्या लगाना है? सफिक्स लगाना है। सफिक्स कौन सा? होल या फेल। ओके, सफिक्स लगाने पर वर्ड, यानी जिसमें डबल एल आया है वो वर्ड एवं सफिक्स, जो आप सफिक्स होल या फेल लगा रहे हैं, दोनों में एक एक एल रह जाता है। क्या रह जाता है? एक एक एल रह। यानी उस वर्ड का भी जो लास्ट में डबल एल है उसमें से एक एल हट जाएगा और जो सफिक्स आप फुल या फिल लगा रहे हैं इसका भी वन एल, लास्ट लास्ट का एल हटा दिया जाएगा। ओके, एग्जांपल से समझते हैं। ओके, जैसे आपने देखा स्किल में क्या है लास्ट में? डबल एल। इसमें सफिक्स आपने ऐड किया फुल, इसमें भी क्या है? डबल एल। और आपने दोनों को ऐड करने से बना क्या वर्ड आपका? स्किल फुल। तो आपने देखा इसका डबल एल, स्किल का सिंगल एल रह गया, फुल में जो डबल एल था वो भी क्या हो गया? सिंगल एल। तो क्या हो गया? स्किल फुल। तो क्या आपने सीखा? ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में डबल एल हो और हम सफिक्स ऐड करते हैं फुल या फिल, तो दोनों सफिक्स और वर्ड्स दोनों के जो डबल एल है वो क्या हो जाते हैं? सिंगल सिंगल एल हो जाते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, फुल प्लस फिल, तो आपने कहा फुल फिल, तो आपके ये डबल एल था, ओके, और ये भी डबल एल था, राइट? लेकिन यहाँ देखा आपने फुल का एल हट गया और फिल का भी एल हट गया, बना गया फुल फिल, दोनों क्या है? सिंगल सिंगल एल है। ओके, सेम विल प्लस फुल, ओके, विल में आप फुल सफिक्स ऐड कर रहे हैं, तो आपने देखा विल फुल, यानी यहाँ भी आप सिंगल एल और यहाँ भी सिंगल एल। ओके, चलिए तो नेक्स्ट रूल देखा जाए। चलिए तो नेक्स्ट रूल देखे जाए। यस सर। ओके, कुछ वर्ड्स के अंत में ई आता है, क्या आता है? ई आता है। ऐसे वर्ड्स के साथ वॉवेल से शुरू होने वाला सफिक्स लगाने पर, यानी वर्ड्स के अंत में क्या आएगा? ई।
और उसमें हम जो सफिक्स लगाएंगे वो किसे स्टार्ट होगा? वॉवेल से स्टार्ट होगा, वॉवेल से। ओके, इस कंडीशन में ई हट जाता है। क्या हो जाता है? ई हट जाता है। समझे आप लोगों को? वर्ड्स के अंत में क्या होगा? ई। और ऐसे वर्ड्स के साथ हम जब कोई सफिक्स लगाते हैं, जिस सफिक्स की स्टार्टिंग किससे होती है? किसी वॉवेल से, तो लास्ट का जो ई है उस वर्ड्स में वो क्या हो जाता है? हट जाता है। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे लिव, इसमें लास्ट में क्या है? ई। ओके, हमने इसमें सफिक्स ऐड किया इंग। ओके, जो किस स्टार्ट है? वॉवेल से। तो आपने देखा ये जो ई था लिव का, इसमें ई हट गया। हट गया यहाँ कहीं? ई आपको दिख रहा है यहाँ पर? ओके, ई आपका यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यानी ई को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। ओके, लिविंग, राइट। सेम बाइट, लास्ट में क्या आपने देखा? ई। आपने एक सफिक्स ऐड किया आई एन जी। ओके, इंग। तो आपने देखा ई क्या हो गया? हटा दिया गया, बाइटिंग। ओके, फेम, लास्ट में क्या है? ई। आपने सफिक्स लगाया जो किसे स्टार्ट है? ओ से, यानी वॉवेल से। ओके, तो फेम का ई क्या हुआ? हटा दिया गया। ओके, राइट। फेमस, जैसे नोट, लास्ट में क्या देखा आपने? ई। लेकिन सफिक्स आप लगा रहे हैं एबल, किस जो स्टार्ट किससे है? किसी वॉवेल ए से। ओके, तो आपको कहना नो टेबल, यानी ई यहाँ से हटा दिया गया। ओके, तो आपने देखा कि जब किसी वर्ड्स के अंत में ई आए और हम सफिक्स ऐड करते हैं जो किससे स्टार्ट हो, किसी वॉवेल से, तो उस वर्ड्स के ई को हटा दिया जाता है, राइट। नेक्स्ट रूल देखा जाए, लेकिन इसी रूल को आपको समझते हुए इसको समझना है, लेकिन ई से समाप्त होने वाले वर्ड्स, यानी इसी तरह के वर्ड्स जो अभी आपने ओके देखा, के साथ कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला सफिक्स लगाने पर ई नहीं हटाया जाता। वॉवेल से शुरू होने वाले सफिक्स को लगाने पर ई हटा दिया जाता था, लेकिन इसी तरह के वर्ड्स में जिसके अंत में क्या होगा? ई, और आपका जो सफिक्स होगा वो किससे स्टार्ट होगा? किसी कॉन्सोनेंट से, तब ई को आपको नहीं हटाना है। ओके, समझ में आया आप लोगों को? यस सर। कब ई नहीं हटाना? जब सफिक्स कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। ओके, ऐसे सफिक्स के ऐड होने पर उस वर्ड का ई नहीं हटाना है। जैसे आपने कहा होप, ई है इसके अंत में, यस सर, और ये सफिक्स लगाया फुल, जो किससे स्टार्ट है? कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है। कॉन्सोनेंट से, जब आप कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले सफिक्स को ऐड करते हैं तो वर्ड का जो ई है लास्ट में वो नहीं हटता। देखिए यहाँ लिखा हुआ है होप फुल, ये ई आपका यहाँ पर नहीं हटाया गया। ओके, यस सर। जब वॉवेल से स्टार्ट सफिक्स को ऐड करते हैं तो ई हटा देते हैं, लेकिन जब कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुए सफिक्स को ऐड करते हैं तो ई नहीं हटाते। ओके, ओके, यस सर। जैसे एक्साइट में आपको मेंट ऐड करना है सफिक्स, तो ये एक्साइट का ई आपने देखा यहाँ से नहीं हटाया गया, एक्साइटमेंट। ओके, आई होप यू गॉट इट, यस सर। ओके, वेरी गुड। तो जिस तरह से आपने देखा एंगेजमेंट, एंगेजमेंट ई नहीं हटाया गया। ओके, नाइस, और ऐड किया एल वाई ली, नाइसली, ई नहीं हटाया गया। ओके, तो आपने माइंड किया कि जब ऐसे वर्ड्स दिए गए हो जिनके लास्ट में क्या हो? ई, और सफिक्स ऐड करना हो आपको ऐसा जो किसी वॉवेल से स्टार्ट हो, तो ई को क्या कर देना है? हटा देना है। लेकिन ऐसा सफिक्स ऐड करना है जिस जो स्टार्ट हो किससे? किसी कॉन्सोनेंट से, तो ई नहीं हटाना। ओके, लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, उन्हें भी आपको देखना है और इनको लर्न कर लेना है। ओके, अभी आपने देखा ये लिखा हुआ है ट्रू, क्या लिखा हुआ है? ट्रू। ओके, जिसके लास्ट में क्या है? ई। ओके, और आप ऐड कर रहे हैं एल वाई ली। ओके, जो किससे स्टार्ट है? कॉन्सोनेंट से, तो रूल के अकॉर्डिंग तो ई को क्या करना है? हमें नहीं हटाना है, क्योंकि ये किससे स्टार्ट है? कॉन्सोनेंट से, बट यहाँ ई हटा दिया गया, क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो रूल को फॉलो नहीं करते हैं। ओके, चलिए, तो कौन कौन से वर्ड्स है वो? ट्रू, ओके, होल, ड्यू, आर्ग्यू और सिंपल। ये वर्ड्स आपको लर्न रखना है कि इनमें अगर हम सफिक्स ऐड करते हैं जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, तो इनके लास्ट का जो ई है वो क्या हो जाता है? हटा दिया जाता है। ओके, यस सर।
तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट रूल देखा जाए। यस सर। ओके, जब कोई वर्ड्स यानी दिया गया वर्ड्स सीई या जीई से समाप्त होते हैं, किससे समाप्त होते हैं? सीई या जीई से। यानी दिए गए वर्ड्स के लास्ट में क्या आएगा? सीई या जीई। गुड। और इनके साथ ए ओ यू से शुरू होने वाला सफिक्स लगाने पर ई लगा रहता है। यानी ध्यान देना आप लोग, ए ओ यू ओनली, आई और क्या नहीं है, ई। ओके, ओनली ए ओ यू से शुरू होने वाला सफिक्स लगाने पर ई क्या रहेगा? लगा रहेगा। बट किसमें? इसके अंत में क्या होगा? सी ई या जी ई। ओके, एग्जांपल समझते हैं। जैसे रिप्लेस, इसके अंत में क्या है? सी ई। और आपने सफिक्स लगाया जो किसे शुरू हो रहा है? ए से, एविल। ओके, तो आपने देखा ई क्या रहेगा? लगा रहेगा। ओके, आर ई पी एल ए सी ई लगा हुआ है ई। ओके, रिप्लेस एविल। ओके, यानी ई नहीं हटाया, हटाया गया? नो। ओके, इसे चेंज, ये किससे समाप्त हो रहा है? जी ई। ओके, इसमें सफिक्स लगाया हमने एविल, तो आपने देखा चेंजेबल, इसमें भी ई क्या हुआ है? लगा हुआ है। यानी ऐसे वर्ड्स जो सी ई या जी ई से समाप्त हो और उनमें हम ऐसा सफिक्स ऐड करते हैं जो ए से या ओ से या यू से शुरू होने वाला सफिक्स हो। ओके, उसको ऐड करने पर वर्ड्स का ई नहीं हटाया जाता। ओके, यस सर। राइट, चलिए तो नेक्स्ट रूल भी देखा जाए। यस सर। अगर कोई वर्ड आई ई से अंत हो, यानी अंत में क्या मिले? आई ई। ओके, और उसमें हम क्या सफिक्स लगाए? आई एन जी, इंग। इंग हमें सफिक्स लगाना है। ओके, वर्ड्स का अंत किससे होगा? आई और ई से। ओके, लगाया जाए, क्या लगाया जाए? आई एन जी सफिक्स। तो आई ई बदल कर क्या हो जाता है? वाई हो जाता है। क्या समझे आप लोगों को? ऐसा वर्ड जिसके अंत में क्या होगा? आई ई, और उसमें एक सफिक्स ऐड कर रहे हैं, कौन सा? आई एन जी यानी इंग। तो उस वर्ड्स का जो आई ई अंत में है वो बदल कर क्या हो जाएगा? वाई। गुड, देखिए एग्जाम्पल, डी आई ई, आप इसमें ऐड किया आई एन जी इंग, तो क्या बन गया? डाइंग। ये जो आई ई था ये किसे बदल गया? वाई में। ओके, जैसे टाई, क्या लिखा हुआ ये? टाई। अंत में क्या इसमें? आई ई, आपने ऐड किया एंग, तो ये आई ई किसे बदल गया? वाई में, टाइंग। जैसे लाई, एल आई ई, ये क्या अंत में? आई ई, आपने आई जी इंग ऐड किया और क्या बन गया? लाइंग, ये आई ई बदल गया वाई में। ओके, वाई, आई जी ऐड किया, वाई किसे चेंज हो गया? वाई में। तो आपने देखा ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में आई ई है और आपने सफिक्स लगाया इंग, तो उसका आई ई चेंज हुआ वाई में। ओके, यस। तो आगे समझे जाए? यस सर। ओके, कोई डाउट अभी तक? नो सर। ओके, गुड। जब कोई वर्ड वाई से समाप्त हो, यानी वर्ड्स के लास्ट में क्या आएगा? वाई। ओके, एवं उसके पहले, वाई के पहले क्या हुआ? कोई कॉन्सोनेंट। ओके, कोई ऐसा वर्ड जिसके अंत में क्या होगा? वाई। और वाई के पहले क्या होगा? कोई कॉन्सोनेंट। वेरी गुड, कॉन्सोनेंट आता है। तो सफिक्स लगाने पर वाई किस में चेंज आता है? आई में। वाई से बदल जाएगा आई में। ओके, बदल जाता है। ओके, लेकिन ये रूल आई एन जी के लिए काम नहीं करता है, इसलिए हम बताएंगे आपको अभी। ओके, पहले समझते हैं कि किसी वर्ड्स के अंत में क्या आएगा? वाई। और वाई के पहले क्या होगा? कोई कॉन्सोनेंट। ओके, अब उस पर कोई जब सफिक्स ऐड करोगे आप, तब क्या होगा? तब आपको देखना है कि वाई किसमें बदल जाएगा? आई में। वाई किसमें बदल जाएगा?
आई में। ओके एग्जांपल समझिए, जैसे लिखा है यहाँ सी आर वाई क्राई, क्या लिखा है क्राई क्लास में क्या है वाई, इसमें आपको सफिक्स लगाया एड है जो किससे स्टार्ट है ई से। ओके खैर अभी आपको ये मान नहीं करना है, आपने सिर्फ लगाया क्या एड है, तो आपने देखा वाई किसमें चेंज हो गया आई में, किसमें चेंज हो गया आई में। ओके क्राई राइट, सेम पीटी पी आई टी वाई पीटी किससे अंत है इसका वाई से, से आपने यूज किया सफिक्स फुल, क्या बन गया पिटी फुल। ओके वाई किसे मिल गया आई में। ओके मर्सी प्लस फुल क्या बन गया मर्सी फुल, वाई किसमें चेंज हो गया आई में। ओके कैरी प्लस एड कैरीर, वाई किसमें चेंज हो गया आई में। तो आपने देखा जिसके अंत में वाई हो, वाई के पहले कोई क्या हो कॉन्सोनेंट। ओके जैसे वाई पहले क्या था आर, वाई बोले क्या था टी, वाई बोले क्या है सी, वाई बोले क्या है आर, यानी वाई अंत में है, वाई बोले क्या है कोई कॉन्सोनेंट, तब आपको जब कोई सफिक्स ऐड करते हैं तो वाई बदल जाता है आई में। गुड, लेकिन अगर आई एन जी आप लगाते हो सफिक्स क्या लगाते हो आई एन जी, तो इस कंडीशन में वाई के बाद आई एन जी ही रहता है, वाई वाई ही रहता है, क्या रहता है लागू नहीं होता। ओके बाकी सभी के साथ आपको वाई को चेंज कर देना है आई में। गुड नेक्स्ट देखते हैं, कुछ इसमें भी एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे साई क्या है साई। ओके एस एच वाई साई बन गया साइली, इसमें वाई वाई है। ओके स्लाई स्लाइली बन गया, इसमें वाई है। ओके ड्राई ड्राइली बन गया, उसमें वाई है, यानी कुछ वर्ड्स आपको याद रखना है साई स्लाई ड्राई, तो इस रूल को फॉलो नहीं करते। ओके यस गॉट इट यस सर। ओके नेक्स्ट रूल समझते हैं, इसी से रिलेटेड है, लेकिन यदि वाई के पहले कोई वॉवेल आता है, अभी क्या है वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट, अब वाई के पहले क्या आएगा कोई वॉवेल, जैसे यहाँ प्रेम में लिखा आपने लास्ट में वाई है और पहले ए यानी वॉवेल है। ओके तो लेकिन यदि वाई के पहले कोई वॉवेल आता है तो वाई वैसा ही रहता है, यानी वाई आई में चेंज नहीं होता, कब जब वाई पहले क्या हो वॉवेल। ओके अगर कॉन्सोनेंट होता तो हो जाता, तो क्या हो जाता वाई आई में बदल जाता। वेरी गुड। ओके जैसे यहाँ प्रे, तो आप देखा लास्ट में वाई है और वाई के बिफोर क्या है वॉवेल, इसमें हमने प्रीफिक्स सॉरी सफिक्स लगाया ईडी, क्या लगाया सफिक्स ईडी, तो क्या बनेगा प्रे, यानी वाई है, y किसमें चेंज नहीं हुआ आई में चेंज नहीं हुआ, अगर हाँ यहाँ कोई कॉन्सोनेंट होता तो y किसमें चेंज होता आई में। ओके तो प्रे प्रे। ओके प्ले आपने देखा y वही प्ले क्या है बॉबल, इसलिए y चेंज नहीं हुआ प्ले पी एल ए वाई ई डी। एंजॉय y प्ले क्या है ओ बॉबल, मेंट हमने सफिक्स लगाया बना एंजॉयमेंट, यानी y किसी में चेंज नहीं हुआ। ओके बाई इसमें आपने लगाया सफिक्स ई आर एल, तो क्या बायर क्या बना बायर, वाई चेंज नहीं हुआ। ओके पे इसमें आपने किया एविल बना पे एविल, ओके वाई चेंज नहीं हुआ। स्टे और एड लगाया स्टेड, वाई चेंज नहीं हुआ। तो आपने रूल सीखा कि जब वाई के बिफोर वाई के पहले कोई वॉवेल होगा तब वाई चेंज नहीं होगा वाई ही रहेगा। ओके और इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, ओके तो इनको भी देख लेते हैं, ये वर्ड्स कुछ हैं, जैसे आप लगा स्टे सॉरी से क्या लिखा हुआ है से, से सैड हो जाता है, मतलब वाई आई में चेंज हो गया, इस रूल को फॉलो नहीं करना है। जैसे ले ओके लैड हो गया, डे डेली हो गया, यानी अभी हमने सीखा था कि वाई पहले कोई बॉबल आए, वाई पहले कोई बॉबल आए तो वाई वाई रहता है, बट यहाँ आई हो गया है। ओके यानी इस रूल को फॉलो नहीं करना, तो कुछ वर्ड्स होते हैं इनको हमें लर्न करना होता है जिससे हम मिस्टेक्स ना करें। ओके जैसे पे पैड, ओके तो
इस तरह से कुछ रूल्स थे जिन्हें आपने सीखा, ओके? और इन रूल्स को आप अगर सीख लेते हैं तो आप स्पेलिंग हमेशा करेक्ट लिखेंगे। तो आपको ये रूल्स अभी कई बार देखना है और सीखना समझना है, ओके? यस सर।